एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का दावा है कि सड़क योजना के तहत करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को और ही बयां कर रही है, सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रही है। एक ऐसा ही मामला है जो यूपी के उन्नाव से सफीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शहादत नगर फजलपुर मार्ग का दो दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग से रोड का नवीनीकरण हुआ, जो मात्र दो दिन के अंदर ही टूटने और उखड़ने लगी रोड, जगह जगह गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। जब इसकी रियलिटी ग्राउंड जीरो पर चेक की गई, हमारे संवाददाता विनोद सोनकर ने तो भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। अब इससे ही जाहिर हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार के मिलीभगत से घटिया निर्माण कार्य कराया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सड़क योजना के तहत में करोड़ों रुपया खर्चा तो कर रहे, लेकिन इस वक्त हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पे। उन्नाव जनपद के सफीपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत शहादतपुर फाजिलपुर मार्ग पे मैं हूँ, जहाँ पर शासन से 500 मीटर रोड का नवीनीकरण के लिए पैसा आया था, लेकिन इस रोड की हालत इतनी जर्जर हो गई है जो दो दिन के अंदर ही पूरी तरीके से रोड टूटने और उखड़ने लगी है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारी व ठेकेदार की मिलीभगत से सब घटिया सामग्री के द्वारा निर्माण कार्य कराया गया। आइए हम अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाइए इस रोड की हालत कैसी है। ये देखिए, ये रोड दो दिन पहले बनाई गई है, जो रोड पूरी तरीके से पैर लगाने से ये कहीं ना कहीं गड्ढों में तब्दील होते हुए नजर आ रही है। ये पूरी तरीके से रोड उखड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो अधिकारी हैं अपना दावा तो करते हैं, लेकिन उनके दावे कहीं ना कहीं शासन को पूरी तरीके से झुठलाते हुए नजर आते हैं। आइए हम अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि और इस रोड की हालत दिखाएंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि हमारे दर्शकों को दिखाइए, ये रोड बनाई गई थी दो दिन पहले पीडब्ल्यूडी के द्वारा, दो दिन पहले ये रोड बनाई गई थी, जो पूरी तरीके से पैर लगाने से ये रोड उखड़ती हुई नजर आ रही। ये देखिए, पैर मारने से पूरी तरीके से रोड टूट टूट के उखड़ रही है। इससे यही जाहिर होता है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व ठेकेदार की मिलीभगत से सरकारी धन का लाखों रुपए का जमकर बंदर बांट किया गया। ये पूरी रोड कहीं ना कहीं घटिया सामग्री के द्वारा रोड का निर्माण कार्य किया गया है। अब देखने वाली तो ये बात होगी, क्या जिले की जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ऐसे ही योगी आदित्यनाथ के जो दावों को खुलेआम जिले के आला अधिकारी पलीता लगाते नजर आएंगे। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, TTN 24। नाम है भी आपका? सुरेंद्र नाम है मेरा। किस गांव में रहते हो? यही शहादत नगर गांव। अच्छा, ये कितने दिन पहले रोड का निर्माण हुआ? कल और परसों, दो दिन तीन काम चला है, दो तीन दिन में बनाई है अभी। अच्छा, क्या लगता है कैसी रोड बनी है? रोड की हालत बहुत जर्जर है। बनाने वालों से हम कह रहे थे भैया ये बिल्कुल मजबूत नहीं है, तो अभी कोई भारी वाहन चला दिया जाए, अगर ट्रैक्टर तेज चला दिया जाए तो ये सब उखड़ के खराब खत्म हो जाएगी तुरंत। ये तो पैर लगाने से लोगों को उखड़ते हैं, यहाँ किनारे का ये छूट ही रहा है, इसे पैर लगाने से जो है छूट रहा है। इसमें डामर वामर है ही नहीं, बिल्कुल फॉर्मेलिटी है। अच्छा, अगर देखा जाए तो मात इसके ऊपर जो मटेरियल पड़ा है तो हमें लगता है एक इंच मुश्किल से मटेरियल होगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा है ही नहीं। यानी काम सही नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या मांग है आपकी? हम चाहते हैं रोड कम से कम IC बन जाए कि कुछ समय तो चल जाए। अब ये ऐसा तो नहीं है कि जो लागत लगी है गवर्नमेंट की ये इतनी जल्दी खत्म हो जाए, आज बनाई जाए और कल जो है टूट जाए, और बराबर तो है ही नहीं कहीं पे। अच्छा, लेयर बराबर है नहीं। कोई पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारी यहाँ कभी आए देखने तक? कभी हमें तो नहीं लगता कोई आया। हम जो कोई नहीं, हाँ, दो तीन दिन से जब से हम आ जा रहे हैं तो हमें, यानी कहीं ना कहीं ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के मिली भगत से सब खेल हो रहा है। बस और क्या है, वो तो है ही है, जब तक मिली भगत नहीं होगी तब तक ये हो ही नहीं सकता, बस फॉर्मेलिटी ही है। तो ये रोड कितनी चलती है, यहाँ से लोग कितने गांव के गुजरते हैं? अगर देखा जाए तो यहाँ से जो इधर से आने वाले कुछ गांव के लोग हैं तो सफीपुर भी इससे निकलते हैं, इसी से, हाँ, निकल जाते हैं, थोड़ा ये सामने पड़ती है, बाकी रोड तो आगे से है।